देखो बीजी बीजी मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। ओहो फतेह सिंह तू एक तरफ हट जा, तू अभी छोटा है। देखो वीर जी उतना खुद नहीं जितनी बड़ी डंडी उठाई फिरता है। पहले हमारे जितना तो हो जा, फिर आके हमारे साथ ऐसे खेल खेलना। फतेह सिंह जी अब जाओ यहाँ से। ओहो इतना जोश, खुद ही तो कहते हो वीर जी पूरे जोश के साथ। हाँ चल ध्यान से खेल। जितना हो गया हूँ अब नहीं आप मुझे रोक सकते, चाहे पास खड़े होकर देख लो। चलो अब खिलाओ मुझे। जिद ना कर तुम्हें चोट लग जाएगी। फिर क्या हुआ, खेलते हुए चोटें तो लगती ही हैं। ये खेल नहीं ये गतका है जो युद्ध के मैदान में काम आता है। फिर तो मैं जरूर सीखूंगा, मैं भी युद्ध पे जाऊंगा। अब जल्दी जल्दी खिलाओ मुझे नहीं तो मैं अजीत वीर जी को बताऊंगा। चल फतेह सिंह पीछे हट जा, वीर जी खेलो ना। हाँ हाँ चल ध्यान से खेल। आज किसी को डांट पड़ेगी, आज किसी को डांट पड़ेगी, डांट पड़ेगी, डांट पड़ेगी। खेल लो ना। फतेह सिंह क्या हो गया तुझे? मुझे अजीत वीर जी ने कहा है कि अगर मेरी कोई बात ना माने या मुझे कोई तंग करे मैं उनको जाके बताऊं। वीर जी खेल लो ना। हाँ हाँ तो खेल। आज किसी को डांट पड़ेगी, आज किसी को डांट पड़ेगी। ओहो आओ तशरीफ लाओ। चलो 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 चलो। बाबा फतेह सिंह के सर सजी दस्तारे देख गुरु साहब ने निहंगों की प्रथा शुरू की थी। फतेह सिंह छोटे और सबके लाडले थे, इसीलिए सिख संगत निहंगों को भी गुरु साहब की लाडली फौज कहकर बुलाती है।